हमारे पास एक फैमिली आती थी, आज नहीं है, वही आज फिर काली दुनिया में चले गई। कारण क्या था? क्योंकि उनका मन परमेश्वर पर नहीं था, संसार की चीजों पर, धन पर था। जबकि परमेश्वर हमारी सोच से भी हमें कई गुना ज्यादा देना चाहता है। वो सरकारी जॉब करता था बंदा, उसपे कुछ कर्ज था, सरकारी जॉब करने के बावजूद ही उसपे कुछ कर्ज था, और उसने कोई लोन के लिए कुछ ऐसे फाइल, ऐसे फॉर्म भरे थे और उसका वो काम हो नहीं रहा था। पर वो बोने में बिल्कुल भी फेथफुल नहीं थे, वफादार नहीं थे। क्या नहीं थे? अब मेरी बात सुनो, जैसे संसार में डॉक्टर होता है जो मरीज को चंगा करता है, सुनो ध्यान से। मान लो अगर मेडिसिन से काम नहीं चला तो मरीज को कहेगा इसे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, अगर इंजेक्शन से काम नहीं चला वो अब बोलेगा इसे ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? नहीं जी, हम नहीं लगवाएंगे, हम नहीं टीका लगवाएंगे। आप कहोगे ऐसे, क्योंकि आपको भी पता अगर मेडिसिन खाने से बात नहीं मिली तो इंजेक्शन टीका लगवाना पड़ेगा, अगर टीका लगाने से इंजेक्शन से बात नहीं बन रही तो ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर को, नहीं 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 जी नहीं, हमने नहीं, हमने नहीं लगवाना। बोलो क्या? हमने नहीं लगवाना जी। हाँ, आप ऐसे बोलोगे। अब जो जिसकी जो चीज है परमेश्वर उसी के हिसाब से उसे ब्लेस करेगा कि नहीं? तो मैंने उसे समझाया, क्योंकि वो बोने में वफादार नहीं, क्योंकि मैं अपने आप किसी को कुछ नहीं सिखाता, मैं परमेश्वर से पूछता परमेश्वर मुझे बताऊं मैंने क्या बताऊं, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी बुद्धि से भी बताऊंगा काम होगा नहीं तो फायदा क्या है। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने मुझे कहा इसको बोल कि ये काम में ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, जब ये करेंगे तो मैं करूंगा। और मैंने उन्हें समझाया कि आप इस चीज में खरे नहीं, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी सैलरी थी कम से कम 50-55 हजार के करीब करीब, कट कट आकर उसे 40 मिलता था। अब 40 हजार का उसे 35, अगर 35 या 40 मिल रहा तो 4,350 महीने का 20 है, वो तो 500 निकालने का भी उसे दिक्कत आती थी। यहीं से पता चलता है कि हम उसकी संतान हैं कि नहीं। बोलो क्या है? यहीं से पता चलता है। सुनो, जबकि हमारा बाप हमारा पिता कौन है? हाँ, पर वो अगर बेटी का बेटे का मन उस रीति से पिता के जैसे नहीं है तो फिर फायदा क्या? तो मैंने समझाया और जस्ट मैंने कहा इसलिए नहीं हो रहा। वो जैसे मैंने सुबह मेरी बात हुई और दोपहर को उनकी कॉल आई, हम मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और वो आगे मिलने के लिए और एकदम से जब अभी आए, उन्होंने 1,000 रुपया निकालकर ऐसे मेरी जेब में डाल दिया। मैंने कहा ये क्या है, क्या है ये? क्या है? वो रखो 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 रखो, क्या है? रखो रखो रखो। मैंने क्या, ये क्या है? मतलब बताओ मुझे, आपका बीज है, आपका दशमांश है, कोई सेवा है? नहीं, कहते रखो। और उससे पहले परमेश्वर ने मुझे बता दिया था कि वो बंदा आ रहा है, वो तुझे पैसे देगा। देखो, परमेश्वर ने मुझे पहले बता दिया था कि वो बंदा पैसे लेकर आ रहा है, तुझे देगा। क्या देगा? परमेश्वर ने मुझे पहले, मैंने जब उन्होंने पैसे डाले ना, मैंने उन्हें पहले कह दिया, मैंने उन्हें बताया कि देखो मुझे पता आप क्यों आए हो, आप उन्हीं पैसों में से निकाल कर लेकर आए हो जो मैंने आपको सिखाया। अब आप चाहते हो कि मैं कुछ देकर परमेश्वर से काम कराऊं अपना, ऐसे नहीं करता। मैंने कहा ये लो अपने पैसे रखो। बोलो क्या है? अब परमेश्वर उन्हें बहुत सी आशीषें देने चाहता था, उनका वो काम भी कराना चाहता था और आगे पता नहीं क्या क्या करना चाहता था। ना पृथ्वी के शीश मिली, ना स्वर्ग की, दोनों गए। बोलो क्या? ना पृथ्वी के अधिकारी रहे, ना स्वर्ग के। जो यीशु मसीह ने कहा धन्य हैं जो नंबर है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसके बाद वो स्वर्ग की, क्योंकि दीन नहीं बने उस बात के लिए, नंबर नहीं बने खुदा की इच्छा को, मर्जी को पूरा नहीं किया। अब नहीं है वो, सच्चाई में नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? सत्य जीवन और रास्ता मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा, वहां पे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। कोई जा सकता है? दुनिया धार्मिकता का नहीं, कहां पे जाने के लिए? हाँ, कर रही है कि नहीं कर?
समझ आ रही है? तो उसने कहा कोई नहीं जा सकता। अब वो इस जीवन से भी और आने वाले उस जीवन के भी, दोनों को अभी तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लिखा जब स्वर्ग सिद्ध प्रकट होगा तो सब क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लिखा उस दिन देखना लोग अपनी मूर्तों को बिल्लों में, ऐसे बिल्ली होती ना, खट्टों में फेंकेंगे और हर एक बंदा घुटने, बाइबल में लिखा वो ऐसे घुटने नवाएगा और अपनी जीभ से कहेगा हो प्रभु मैं भी विश्वास करती हूं, मैं भी विश्वास करता हूं कि तू प्रभु है। तब बोलेगा यीशु मसीह अब टाइम नहीं है। तो लगे अब टाइम नहीं है, अब समय नहीं है, क्योंकि आपने उन बातों को जो मेरे दास सेविक, मेरे छोटे छोटे दास थे, ऐसे बाइबल में लिखा ना, मैं भूखा था, मैं नंगा था। हाँ, यीशु मसीह ने एक जगह पे ऐसे कहा, मत्ती में 25 में शायद ऐसे लिखा है इसमें, कि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं घर आया तेरे, तूने रोटी नहीं दी, मुझे कपड़ा नहीं दिया, मैं थका हुआ तो उन्हें विश्राम के लिए मुझे जगह नहीं दी, मैं बंदी गृह में था, तुम मिलने के लिए। तो आप उस समय लोग न्याय के समय जब सामने खड़े किए जाएंगे तो लोग कहेंगे कब प्रभु तुम आए, कब तुम भूखा था, प्यासा था, तू नंगा था, हमने कपड़ा नहीं दिया, बंदी घर में बल नहीं, कब आए? वो कहेगा मेरे जो छोटे से छोटे मेरे दास थे जो मेरे बारे बताते थे, मैं वही था, पर उनकी सुनकर तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कोई मन नहीं फराया, कोई काम मेरे लिए किया नहीं। तो उस दिन वो पूछेगा, क्या करेगा उस दिन वो पूछेगा। समझ आ रही है? अभी कितनों को समझ आ रही है, कितनों को समझ आ रही है?